बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। विधानसभा क्षेत्र बहरोड से अमित शर्मा उर्फ बंटी को नवनियुक्त कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार एवं आमजन का धन्यवाद। निवेदक समस्त नगरपालिका वासी बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। अलवर के बगड़तराहा थाना के चोरोटी इस्तमुरार गांव में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद भी क्या, भैंस बांधने को लेकर दो पक्षों में इतना भयंकर विवाद हुआ कि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि गांव के एक पक्ष बच्चू सिंह, रामवीर व पवन तो दूसरे पक्ष शाहूकार अजय, सुनील सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इस छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना बड़ा खड़ा हो गया कि लाठी डंडे व फरसियों से 9 जनों के सर फूट गए। गांव में मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। घटना सुबह की है, जब दूसरा पक्ष पहले पक्ष की जगह में भैंस बांध रहे थे। उन्होंने भैंस बांधने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर गाली गलौज शुरू हुई। गाली गलौज से झगड़ा बढ़ता हुआ चला गया और लाठी डंडों और हथियारों तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक नेटवर्क। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष, बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड में सबसे टॉप और सिरमौर है। आज ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाई तमाम सुविधाओं से युक्त न्यू स्टेट एकेडमी। बहरोड कस्बे में स्थित भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों से अधिक महिलाएं पुरुषों की मौजूदगी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सद्बुद्धि हवन यज्ञ किया गया। इस दौरान डॉक्टर शानू यादव ने बताया कि बहरोड विधानसभा क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय किया गया है। पिछले कई वर्षों से जिला बनाने की मांग चली आ रही थी, साथ ही हर तरह से बहरोड नीमराणा जिला बनने पर डिजर्व करता है, लेकिन फिर भी कोटपुतली को जिला बनाकर बहरोड नीमराणा के साथ अन्याय हुआ है, जिसको लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया है। क्या कहा डॉक्टर शानू यादव ने, इस रिपोर्ट में देखिए। है एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान एक ऐतिहासिक घोषणा की, और जिसमें 19 जिले घोषित किए गए। कल से ही पूरे बहरोड में एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मातम फैला हुआ है। जो बहरोड की जनता, जो 2.5 लाख जनता है, जो वोटर है, जो मतदाता है, उन्होंने उनकी आशाओं पर, उनकी उम्मीदों पर एक उतारघात किया गया है। इसका हम किसको इसको इसकी जिम्मेदार हम माने, कांग्रेस सरकार बिल्कुल इसकी जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, पर शायद सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार कोई है तो हमारा विधायक। हमारे विधायक ने हमारे वोटों को बेचा, हमारे विश्वास को तोड़ा, हमारे अधिकार को हनन किया, हमारे मतदाताओं को विश्वास को लूटा है। आए दिन पिछले 4 सालों में जब भी उनको मौका मिला है, उन्होंने हर बार अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे लोगों के विश्वास को बेचा है। पिछले 4 साल में हर बार उन्होंने यही कोशिश की है कि उनका वैभव बढ़े और हमारे बहरोड को हमेशा नुकसान पहुंचे। हम सब जानते हैं कि बहरोड हर क्षेत्र में, हर पूरे राजस्थान में जितनी तहसीलें हैं सब में अग्रणी तहसील है। चाहे वो आप राजनीतिक रूप से देख लें, आर्थिक रूप से देख लें या शैक्षणिक रूप से देख लें, हम आशा लगाकर बैठे थे कि अगर 2 जिलों की भी घोषणा होगी तो उसमें हमारे बहरोड का नाम आएगा। और यहाँ तो पूरी झड़ी लग गई है, 19 जिले घोषित किए गए हैं, लेकिन हमको
जो बहरोड़ अलवर का ताज हुआ करता था उसको आज एक पिछलगु बना के छोड़ दिया है। हम कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करें? सबसे अचंभित बात यह है कि विधायक और उसके मानसिक कमजोर समर्थक पिछले एक दिन से इस बात की बधाइयां दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और बनाएंगे भी, क्योंकि उनकी संपत्ति दोगुनी दुगनी हो गई है। उनका तो ये मन था कि यही चीज़ हो, वो तो हस्ताक्षर कर आए थे, जाकर वहाँ पे मान्यता देकर आए थे कि आप पुत्र को जिला बना दें। तो मैं उनको और उनके समर्थकों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोलिए, जागिए, इस जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप इस प्रकार से उनके विश्वास से धोखा दें, विश्वासघात उनके साथ करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ कि राज्य की जनता का जो एक गौरव, जो अधिकार छीना गया है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमको आपने जब 19 जिले बनाए हैं तो एक जिला और आप बढ़ा सकते हैं, 20 जिले कर सकते हैं, हमें हमारा अधिकार दीजिए। और आप सब जानते हैं बहरोड़ हर क्षेत्रफल से आप देख लें, जनसंख्या के रूप से आप देख लीजिए, हर लिहाज में बहरोड़ जिला बनने की सब मापदंड पूरे करता है। तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSE सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।